इस कारण से यहाँ सब उपस्थित हैं। हमारे नगर में सुहाग नगर में जैन मंदिर के पास में एक चिकन कॉर्नर खोला जा रहा है, जो अभी खुला नहीं है लेकिन उसकी शुरुआत होने वाली है। और वो बंद कराना तो एक छोटी बात है, वो तो बंद हो ही जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा रोष और आक्रोश इसलिए उत्पन्न हुआ है कि वहाँ पर चार चार पाँच पाँच शराब की दुकानें चल रही हैं। वहीं पर से लोग जब महिलाएं और बच्चे निकलते हैं तो वहाँ पर खड़े हुए मनचले युवक तरह तरह की बातें करते हैं, अभद्रता करते हैं लोगों से, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते, आंखें झुका करके वहाँ से निकलना पड़ता है। और उसी मंदिर के पास में कोने पर न जाने कितने लोग कूड़ा करकट डालते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पर आकर के हम सब ने डीएम साहब को और नगर विधायक जी को, महापौर जी को, एसपी साहब को, सीओ साहब को, सभी को ज्ञापन दिया है हम सब ने इकट्ठे होकर के। और उम्मीद ये करते हैं कि वो सब जितनी भी हमारी ये समस्याएं हैं धार्मिक क्षेत्रों के पास, जो भी ये नशे से युक्त जो दुकानें हैं या नशा करने वाली दुकानें हैं, वो सब बंद की जाएं या स्थान। किस बात को लेकर यहाँ पे आए हैं, क्या मामला? अरे हम मंदिर में भक्ति चल रही थी, भक्तामर चल रहा था, हम लोग माइक पे हम मांगते बोल रहे थे तो बहुत भीड़ थी, मतलब आगे चिल्लाने लगी, हम तो समझ भी नहीं पाए कि ये क्या बोल रही है। और अंदर मतलब सबको जेंट्स लोगों के बीच और बोली कि क्या नाम तुझको मैं बुलवाती हूँ, तो ज़्यादा मतलब माइक पे बोलती है और हाथ में माइक मतलब छीनने लगी। मैंने दिया नहीं, लेकिन नहीं, क्यों, क्या चाहती, क्या आखिर मन से? माइक बंद कर दो, माइक बंद कर। पूजा अर्चना जी हाँ, मेरी हम लोग की पूजा अर्चना होती है ना, तो वो कहती माइक बंद करो, तो माइक मेरा हमेशा का मतलब हमेशा चलता है, 300 दिन चलता है, हमेशा चलता है, कोई नया तो नहीं चलाना, तो वो कहती माइक बंद करो। अरे माइक ये मामला ये है कि 4 अक्टूबर 2018 दिन गुरुवार को हमारे जैन समाज के लोग पासनाथ जिनालय में आरती कर रहे थे रात्रि 8 बजे। तो वहाँ सामने रहने वाली महिला श्रीमती कुसुम राठौर, पत्नी श्री सुनैजा राठौर, जैन नगर खेड़ा निवासी, हमारे मंदिर में जूता चप्पल पहनकर अन्य 10 लोगों को लेकर के घुसाई और हमारे जो है जो धार्मिक व्यक्ति थे जो पूजा आरती कर रहे थे उनको गाली गलौज की और चप्पल हाथ में लेकर के उनको चप्पल दिखाते हुए कहा कि तुमको मैं ये धर्म बुलवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, धमकी देती हुई और हमारे जो वहाँ पर संबर्तन वगैरह रखे हुए थे उसको फैला दिया, तोड़ फोड़ की, उसमें 10-15-20 हज़ार का नुकसान हो गया। हमारा जैन समाज इससे बहुत आहत है और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है। हमने इस संबंध में एक तहरीर थाना उत्तर इंस्पेक्टर को दी, उन्होंने उस पर कार्रवाई करते हुए उस महिला को अरेस्ट किया, लेकिन 4 घंटे बाद बिना कार्रवाई किए वो उसको छोड़ दिया। इस संबंध में हमने एक ज्ञापन, ये हमारा जैन समाज एक ज्ञापन लेकर के एसपी कार्यालय में आया है, एसपी कार्यालय को हमने ज्ञापन दिया है और इसी संबंध में एक कार्रवाई करने के लिए डीएम साहिबा को भी दिया है। इन दोनों अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई करने की, तुरंत कार्रवाई करने की, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हमको आश्वासन दिया है। इस आश्वासन के तहत हम अपना ये मामला खत्म कर रहे हैं। देखिए, ये कुछ लोग यहाँ पर एकत्रित होकर आए थे, उनका एक बेसिक इशू था, किसी महिला के विरुद्ध कंप्लेंट थी कि उन्होंने मंदिर में आकर मंदिर परिसर में अभद्रता की है और गाली गलौज की है, इस तरह के आरोप इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। और एक आरोप ये भी था कि मंदिर जो है, मंदिर परिसर के पास में कुछ मीट की दुकानें और शराब का ठेका है, इस आपत्ति व्यक्त की है। तो इसमें मेरे निर्देश जो हैं, दोनों विभाग जो कंसर्न है, एक तो पुलिसिंग से संबंधित है तो सीओ सिटी के लिए निर्देश किए गए हैं कि ऐसा अगर किसी महिला ने अभद्रता की है तो उसकी जांच पड़ताल करके उनके विरुद्ध में
तुरंत ही कार्रवाई करें। और जहां पर शराब की स्थिति है तो अभी एक्साइज ऑफिसर भी यहां पे थे, उनको भी हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है कि जाकर क्या परिस्थितियों में इतने धार्मिक संस्थान के पास में एक दुकान है, इसको भी जाँच करवा लें और अगर बंद होने योग्य तो बंद कराएं उसको।